हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने जा रही हूँ इमली की चटनी। उसके लिए मैंने 250 ग्राम इमली ली है 1 लीटर पानी में। मैंने इसको भिगो दिया। अब इसको 1 घंटे तक भिगोएंगे, उसके बाद कैसे बनाना है इसको बताते हैं। ये इमली की चटनी आप बना कर रख देंगे तो ये 6 महीने तक फ्रिज में आप डाल देंगे तो ख़राब नहीं होती है। चलिए मैं आगे का आपको बाद में बताती हूँ। हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने जा रही हूँ इमली की चटनी। उसके लिए मैंने 250 ग्राम इमली ली है 1 लीटर पानी में। मैंने इसको भिगो दिया। अब इसको 1 घंटे तक भिगोएंगे, उसके बाद कैसे बनाना है इसको बताते हैं। ये इमली की चटनी आप बना कर रख देंगे तो ये 6 महीने तक फ्रिज में आप डाल देंगे तो ख़राब नहीं होती है। चलिए मैं आगे का आपको बाद में बताती हूँ। इमली को भिगाए हुए 1 घंटा हो गया। अब इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। इस तरह से इसको मैश करना है ताकि इसका सारा गूदा निकल जाए। सीड्स और इसको निकाल लेंगे। पहले इसको खूब मैश करना है 5 मिनट तक इसी तरीके से। इस तरह से मैंने पल्प निकाल लिया है, उसकी सीड से बाहर कर दिए। इसको हम छान लेंगे। देखिए हल्का हल्के 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 हाथों से करते हुए। अगर गूदा ज़्यादा गाढ़ा हो तो आप इसमें पानी भी मिला सकते हैं। हल्का सा पानी मिला के तभी छानिए। इसी तरह से हम सारे गूदे को छान लेंगे। सारी गंदगी इसकी अलग हो जाएगी। इस तरह से मैंने देखिए सीड को निकाल दिया है। पल्प ये मैंने छान कर तरह से हो गया। पानी बीच बीच में मिलाकर थोड़ा पतला कर करके छान लिया है। अब इसमें हम 250 ग्राम मैंने इमली ली थी तो 250 ग्राम के करीब चीनी भी डालेंगे। इसमें चीनी ज़्यादा ही पड़ती है। 250 ग्राम चीनी डाल देंगे। और ये मैंने 1 गोला गुड़ भी लिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप चीनी थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दीजिए, क्वान्टिटी थोड़ा ज़्यादा डाल दीजिए। 1 टीस्पून हम इसमें नमक डाल देंगे। 1/2 टीस्पून फूड कलर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरह से। इसको हम चलिए फ्लेम पे चढ़ाते हैं। इस तरह से देखिए मैंने आंच पर चढ़ा दिया है। मैंने आँच को तेज ही रखा है। इसमें एक उबाल आने देंगे, उसके बाद गैस को स्लो कर देंगे। बीच बीच में इसको चलाते हुए पका लेंगे। चलिए अब इसमें हम उबाल आने देते हैं। चटनी में एक उबाल आ गया। हम फ्लेम को लो कर देंगे और धीरे धीरे इसको पकने देंगे इस तरह से, ताकि ये बहे ना। इस तरह से इसको पकने देंगे। जब ये ठीक हो जाएगी तब हम इसको बंद करेंगे। हमें इसको देर तक पकाना है क्योंकि स्टोर करके रखना है। मैंने ज़्यादा चटनी बनाई है तो चटनी बना लेने एक बार बना लीजिए तो ये 6 महीने तक बिल्कुल ही वैसे ही रहती है, ख़राब नहीं होती। इस तरह से देखिए हम इसको मीडियम लो फ्लेम पे पकने देंगे। इस तरह से चटनी पककर रेडी हो चुकी है। इस तरह से अभी ठंडी हो जाने पर किसी भी स्टील के जार में या कांच के जार में इसको भरकर फ्रिज कर देंगे। ये 6 महीने तक ख़राब नहीं होगी। आप इसको घर पर ज़रूर बनाकर ट्राई करिए। बहुत ही टेस्टी होती है ये चटनी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।